पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आपने मुझसे जो कुछ कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फिर एक बार सोच लीजिए। आप सही तो कर रही है ना, क्योंकि अगेन मुझे तो लगता था कि अनलाइक योर फादर तुम्हें बिजनेस सेंस है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। कोई बात नहीं, फिर से क्लैरिटी कर देती हूँ। वैभव और ईशा की शादी तो होगी, जरूर होगी, तो उसके लिए मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूँ तुम सिर्फ यस मॉम, ओके मॉम, हाँ मॉम, इतना ही करना, लाइक माय गुड बॉय। हाँ, क्योंकि अगर ईशा और वैभव की शादी नहीं हुई तो तुम्हारी और माया की शादी भी नहीं टिकेगी। सो यू डिसाइड कि तुम किसके साइड में हो, हमारे या गुड बॉय। ये सब क्या चल रहा है? साल साहब, दिल में क्या खिचड़ी पक रही है बता दो तो बेटर है, वरना मैंने गेस कर लिया कि मोहब्बत का मैटर है। अरे इतना स्पेशल डे, थोड़ा सा तो ड्रेसअप होके जाओगे ना अंकल? अरे क्या स्पेशल डे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना बैठो, ज्यादा ना भूले मत बने, हमें सब पता चल गया, श्रेया आंटी से मिलने जा रहे हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं श्रेया से मिलने जा रहा हूँ ताकि मैं उसे जाके थैंक यू बोल सकूं। क्या उसने हेल्प की थी ना मेरी, तो बस और कुछ नहीं। बस थैंक यू। साले साहब, ये आंखें हैं ना, इसमें कुछ नहीं छुपता, सब दिखाई दे देता। लेकिन कैसे ब्लश कर रहे हैं। ठीक ही तो कह रहे दामाद जी, अब जा ही रहा है तो अच्छे से रेडी होके जा। और क्या अंकल, और सिर्फ ऐसे रूखा सूखा थैंक्स बोल के छुट्टी कर रहे हो, हद कंजूस हो। मतलब इतनी बड़ी हेल्प की तो कहीं अच्छी जगह जाकर कम से कम डिनर तो करवाना ही चाहिए ना, कैंडल लाइट वाला। पर वो क्या है ना, ये सब चीजें तो यंग जनरेशन करती है, मुझे लगता है आप थोड़े ओल्ड हो गए हो। ओल्ड की बच्ची मजे ले रही है। ओल्ड मैं, ओल्ड मैं, ओल्ड मैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहना बेटा, कितने दिनों बाद तेरे चेहरे पे मुस्कान देखी आज। श्रेया से मिलने जा रहा है ना, जा, लक्ष्मी माँ करे तुम दोनों के बीच सब सही हो जाए। देखा दी आपने कैसे अंदर हम साथ साथ है चल रहा है, फिर ऐसे ही चलता रहा तो कोई वैभव और श्रेया साथ साथ ना हो जाए। मैं अभी जाके वैभव से बात करती हूँ। हाँ ईशा, 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 व्हाट आर यू डूइंग, डोंट बी सो इंपेशेंट। मॉम ने कहा है वो सब कुछ ठीक कर देंगी, तो कर देंगी, मॉम पे भरोसा रखो। दी अगर मॉम के भरोसे बैठी ना तो श्रेया की बच्ची मेरे और वैभव की वेडिंग की जगह ना अपनी और वैभव की वेडिंग प्लान करने में लग जाएगी। नो 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 नो, माय क्यूटी पाई इज ओनली माइन। मैं अभी आ रही हूँ। Told you ना, मैंने बोला था ना मैं सब ठीक कर दूंगी। Can't you hear? Can't you have patience, Isha? लेकिन मॉम, Never, ever, ever doubt your mother. Is that clear? अगर आज शाम तक मैंने तुम्हारी और वैभव की एंगेजमेंट फिक्स ना करा दी तो मेरा नाम भी मेन का नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, वैभव अंकल और श्रेया आंटी फिर एक हो जाएंगे। दोनों अकेले अकेले खेल रहे हैं। चलो बच्चों, दूध पी लो। ये
भैया। मुझे सिर्फ एक गिलास, मुझे और दूध चाहिए। अरे बेटा, दूध तो खत्म हो गया, पर मैं शाम को तुम्हारा फेवरेट मिल्कशेक बना दूंगी। सविता, सुनाई नहीं रहता क्या? ये मेरा घर है और मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ। मैंने कहा ना, चाहिए तो चाहिए। और दूध है ना, आशा और ध्रुव की गिलास दे दो मुझे। अरे ऐसे कैसे, ये दोनों के तो बच्चे हैं ना। देखो, ये दूध हमें स्ट्रॉन्ग करता है ना, और मैं तो तुम्हारा सुरक्षा कवच हूँ। तुम नहीं चाहती मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं? तो मुझे चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं दादी, मैं अपना दे देती हूँ। अरे पर लो, ये भी पी लो। अरे वाह, फिनिश भी कर दिया। लो, मेरा भी पी लो। कोई छिपकली नहीं है। सविता, तुम बूढ़ी हो गई हो, आंखें कमजोर हो गई क्या? दिख नहीं रहा वह छिपकली है, कैसे घूर रही है मुझे। Stop it! ये तुम्हें प्रैंक लग रहा है? This is not funny, okay? What rubbish! Stupid! छिपकली! भाई, ये दूध तुम पी लो। नहीं, पापा कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। मजा आ गया, कैसे प्रिंसेस की टाटा फेज हो गई। पर दीदी, आपको दिखी क्या छिपकली? मुझे तो नहीं दिखी। भाई, कई बार ना ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो नहीं होता है वो दिखता है। सर के ऊपर से गया दीदी, आप कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? जैसे पापा के साथ मिलकर प्लान बनाया था ना श्रेया आंटी और वैभव मामा के लिए। ये हमारी सीक्रेट बात है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।